अरे कहाँ जाते रे भाई? अरे ये भैया है, क्या बताई हो? क्या बताई? बात ऐसन बा ना, ऐसन बा, बाबूजी का तबीयत बहुत खराब बा। अच्छा, अब वो काम करने के काबिल नहीं है, इसलिए चल हम चलते हैं जंगल, लकड़ी काटेंगे और लकड़ी मंडी भेजेंगे, उसी पैसे से बाबूजी का इलाज कराएंगे और अपनी जेब खर्चा चलाएंगे। लेकिन भैया तुम्हारे साथ चले थे तो मोट मोट काट के ला दिया तो हम बाहर के आए थे। अरे ये भैया घबरा मत, अब की बार तुझे नहीं ले जाऊंगा। अरे मैं स्वयं अपने कंधे पर रखूंगा। अरे भैया हाँ, अरे आवाज तब तो चलूंगा रे बाबा। अरे तो आज है भैया, एक मिनट, एक मिनट, मिनट बोला जाता है, एक मिनट नहीं सुधरेगा भैया। बोल पहले ये बताओ। अरे यार पहले नहीं, पहले लड़के क्या बात कर रहे यार, ये पान है किलाली, हमको जल्दी बताओ हाली। ये पान है या लाली? तुझे बताओ हाली? अरे नहीं यार, ये लाली नहीं है। अरे ये है पान। तू कहाँ खाया जवान? अभी बताना पड़ेगा। ये मुठाड़ी गया था मंडी। अच्छा, मंडी में कहा देखे थे एक पान वाली फेरा लगाते हुए आई, उसने पान का बेरा लगाया और मैंने खाया, वहां से चला। अच्छा, उसी की याद में एक शहर याद आ गया। अरे कैसा शहर बाबू? आते नहीं हमारे बुझाने। अरे भैया तनी भोजपुरी में हो जाए, हो जाए। हरे के होता लूटे लो भैया, हर को महाराज भीम सिंह का गाना लगा हुआ है। जब तक महाराज
कृष्ण की बड़ी राष्ट्रवाणी जा रही है, जिनका नाम राष्ट्रवाणी किरण है। राष्ट्रवाणी किरण भारत देश की छोटी राष्ट्रवाणी जा रही है, जिनका नाम राष्ट्रवाणी प्रेम लता है। राष्ट्रवाणी प्रेम लता किरण वह प्रेम लता बेटी दरबार में क्यों आई, वो क्या बात है? पिताजी मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या करने के लिए बेटी है? पिताजी स्कूल में फीस जमा करना है। जेल पर राष्ट्रीय राजकुमारी किरण को 500 रुपए खिलाने से खिलाएगा। हाँ राजकीय हो, आइए राजकुमारी। पिताजी मुझे भी 500 रुपए चाहिए। देख बेटी अभी तू छोटी बच्ची है, पैसे लेकर क्या करेगी? पिताजी आज मेरे पास खर्चे नहीं है। खर्चे के लिए पैसे चाहिए, लेकिन प्रेमलता आज तुम्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। चलो यहाँ से। माजी पिताजी से कहते मुझे दिला दो पैसे। माजी आप तो जानती हैं मेरे पास बहुत खर्चे रहते हैं। महाराज प्रेमलता अभी छोटी है, बच्ची है, जब मांग रही है पैसे भी दे दो पैसे। महारानी जी तुम तो इस तरह समझ रही हो जैसे कि प्रेमलता मेरी बेटी है, इसकी तरफ से तुम शिकायत कर रही हो। लेकिन महारानी जी प्रेमलता को आज पैसे नहीं मिलेगी। महारानी जी कान खोल कर सुन लो, मेरे बगैर आदेश किरण व प्रेमलता को एक भी पैसे दिए तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। ये शकल देख मछिया नीचे कह दियो, मैं दुइला तो मार के गई लड़की तो मैं जा जा तो मैं मोच चलो आए रहा है धरा कैसे महारानी जी खुद से यहाँ नौकरी जो बना गया। हाँ अब हमारा तो हाँ प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो खवाई पे आई बड़ा पे हरदम खवाई किया तब पर केला ना खाया हो। आओ क्या है आओ राम बढ़ गया
कान खोल कर सुन लो, जो काम कहूँ मुझे काम करना, नहीं तो काटा नहीं तो झोरे करेंगे पड़े की करो पियर नहीं। किरण ने 500 रुपए सवाल किया और महाराज के दरबार में कहा जाओगे, और हमारी सगी बेटी ने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो महाराज ने कहा छोटी को पैसा लेकर क्या करोगे। अरे मुझे अफसोस है कि महाराज के ना रहने पर यहाँ की मार्केट हिरण न बन जाए, और हमारी बेटी और मैं कहीं भिखारा न बन, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी सेनापति लगराज को बुलाऊंगी, उसे इतनी लालच दूंगी, इतनी लालच दूंगी, मैं उसी के जरिए हिरण का खून करवा दूंगा, यहाँ की मालकिन बनेगी, तो मेरी सगी बेटी पूरी लगा।